हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी लेसन क्लास 10 चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। दिस इज आवर पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर। बच्चों, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो हमें हमारा देश याद आता है इंडिया, क्योंकि इंडिया को, भारत को गांव का देश माना जाता है, क्योंकि इस भारत की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एग्रीकल्चर लैंड, या हमारा 2/3% पॉपुलेशन जो है वो गांव में एग्रीकल्चर वर्क पे डिपेंड है कम्प्लीटली। अब हम अगर एग्रीकल्चर वर्ड को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं तो एग्रीकल्चर वर्ड जो है लैटिन भाषा के दो वर्ड से बना है, एक एग्री मीन्स लैंड एंड कल्टर मीन्स कल्टिवेशन, तो इसका मीनिंग हुआ लैंड कल्टिवेशन। सो नाउ एग्रीकल्चर इज वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर एनी कंट्री, बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे देश में जो हमारे 125 करोड़ पीपल है उन सब का जो फूड है हमारे एग्रीकल्चर वर्क पर डिपेंड है, एंड इसी तरह हमारे 13 करोड़ एनिमल्स भी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे फॉर देयर फूड। इसी तरह पे जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर फील्ड से मिलता है। बच्चों, जब मैं यहाँ ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड करने जब मैं आई थी, तब मैंने इससे पहले मैंने शुगर सिरप बनाया था, तो जब मैंने शुगर सिरप बनाया तो उसमें मैंने शुगर को यूज किया। जब शुगर को यूज किया तो मैंने ये भी सोचा कि ये शुगर मुझे कहां से मिली है। शुगर मिली है शुगर इंडस्ट्रीज से। अब शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर शुगर केन से बनाए, एंड शुगर केन इज रॉ मटेरियल ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज। सो नाउ इट इज क्लियर दैट देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, दोज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। दैट्स व्हाई दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम जब जैसे हम इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं तो शुगर केन का इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसी तरह जूट एंड सिल्क का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड टोबैको का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब इंडिया के फार्मर्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का जो एवरेज फार्मर के पास जो पीस ऑफ लैंड है वो करीब 5 एकर्स का होता है, जिसके बारे में अगर हम सोचें तो उसमें हमारा एक क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है। हमने एवरेज जब निकालने का देखा कि एवरेज कितना एक किसान के पास एग्रीकल्चर लैंड होगी जिसपे कि वो एग्रीकल्चर वर्क करता है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न इंडियाज एग्रीकल्चर लैंड एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग सीजन्स एंड मेजर क्रॉप्स एंड नेशनल इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।